क्या आप अपने शादी और बच्चों के बाद अपने सारे ड्रीम्स को भूल चुके हैं? क्या आपको अपनी बॉडी बच्चों की डिलीवरी के बाद अच्छी नहीं लगती? ये उन लेडीज के लिए वीडियो बन रहा है जिनकी एज 30 से 40 इयर्स के बीच में है और ओवर द इयर्स उन्होंने अपनी बॉडी को खराब होते देख रहे हैं। एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ, हो सकता और हुए, एंड ग्रेजुअली पेट की सारी स्किन लटकती गई, ब्रेस्ट सैगी होता गया, नीचे गिरता गया और वजाइना भी धीरे धीरे लूजनेस बढ़ती चली। इस वीडियो को जरूर देखिए, ऐसा वीडियो मैंने पहले कभी बनाया नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉर सम रीजन अपने सारे ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप मॉडलिंग करना चाहते थे, हो सकता है कि आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे, हो सकता है आप सिर्फ अपने पार्टनर की थोड़ी अटेंशन चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीजन जैसे जैसे बच्चों के बाद टाइम जाता गया, सब कुछ आपके लिए एंड होता चला गया। सो बस एक लाइफ चल रही है लेकिन उसमें हैप्पीनेस नहीं। ये उन लेडीज के लिए भी है जिनका फॉर सम रीजन सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है या उनके हस्बैंड इज नॉट विद देम। ये उन लेडीज के लिए हैं जिनको जिनके हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस करी है और उनकी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं किया है। और फाइनली एक स्टेज ये आ गई है कि आप अपनी बॉडी को ही रिस्पेक्ट करना भूल गए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस स्टेज पे पहुंचने से पहले एक अलग विजन रखते थे अपने बारे में, बहुत कॉन्फिडेंस रखते थे। हो सकता है आज भी वो आउटवर्ड कॉन्फिडेंस है लेकिन अंदर कुछ बचा नहीं है, कि कुछ होप ही नहीं है। हो सकता है कि ओवर द ईयर सारी आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है अपने लिए। अगर आप एनालाइज करें तो क्या चेंज हुआ लाइफ में, कि जैसे जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ, बॉडी आपकी जो एक टीनेजर से एक एडल्ट के होते होते अब एक मदर की बॉडी बन गई है। 90% लेडीज उसमें बहुत खुश है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सही। लेकिन 10% लेडीज ऐसी हैं जिनको कुछ और चाहिए था लेकिन आज समझ नहीं आ रहा उसको कैसे अचीव करें। वो अपनी परफेक्ट बॉडी को वापस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको मेल अटेंशन फिर से मिले, वो चाहते हैं कि जब वो अपने आप को शीशे में देखें तो फिर से वही एक हैप्पी और एक सेक्सी फिगर देखें। वो चाहते हैं कि उनके ब्रेस्ट लिफ्टेड रहें और साइज लार्ज भी रहे, वो चाहते हैं कि पेट उनका फ्लैट रहे, लूज स्किन ना है, स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा से ज्यादा हट जाएं, वो चाहते हैं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ पहले जैसी हो जाए और जो वजाइना की लूजनेस है वो फिर से टाइटनेस में कन्वर्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि ओवरऑल उनको एक आर ग्लास फिगर मिल जाए जो जिससे वो हो सकता है कि स्विमिंग में टू पीस बिकिनी भी पहनना चाहते हैं। और आप में से मैं जानता हूं बहुत सारी लेडीज घर में बिना किसी ब्रा के कपड़े पहन के टी शर्ट्स में घूमना चाहते हैं। ये मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ने बताया कि उनका ड्रीम रहा है कि जब बच्चों के बाद बिना ब्रा के तो बाहर निकल ही नहीं सकते, घर पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेस्ट लटके हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो बिना ब्रा के घर पे भी घूम सके, मतलब ब्रेस्ट को सपोर्ट ना जरूरत हो। इन सब प्रोसीजर्स को अगर आप प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करना चाहते हैं तो इसको मम्मी मेकओवर बोलते हैं, मतलब एक मदर की बॉडी को वापस टीनेजर की बॉडी बनाना। ब्रेस्ट को लिफ्ट भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट को एनलार्ज भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट को छोटा भी कर सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी की वजह से बड़ा ब्रेस्ट है तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। एब्डोमेन को लाइपोसक्शन करके फैट निकाल सकते हैं, टमी टक करके एक्स्ट्रा स्किन निकाल सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स को हटा सकते हैं और डिजाइनर वजाइना से वजाइना टाइटनिंग भी कर सकते हैं। सब चीजें एक साथ हो सकती हैं। और अभी रिसेंटली हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट आई थी 52 इयर्स, और उनकी पूरी इतनी ज्यादा स्किन लूजनेस थी और उनकी हमने बेल्ट लाइपेक्टमी, बहुत बड़ा प्रोसीजर जिसमें बैक से भी पूरी स्किन एक्स्ट्रा निकाली, लाइपोसक्शन करी, और आप यकीन नहीं करेंगे उनकी जो फोटोज इतनी कमाल की फोटोज और उनकी कंप्लीट लाइफ ही चेंज हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी। ऐसे ही अभी 3 दिन पहले हमारे एक पेशेंट है जिनका एक ही सपना था कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली देख सके, लेकिन ओवर द इयर्स सब धीरे 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 चूर होता चला गया। सर्जरी के पहले दिन अपनी बॉडी, न्यू बॉडी को देख के उनके आंसू निकल आए क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि कुछ हो सकता है। तो ये जो हैप्पी स्टोरीज हैं ये आपकी भी हो सकती है अगर आप मॉमी मेकओवर के बारे में एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, और अगर आप आज अपने ड्रीम को वापस दोबारा देखना चाहते, यही प्रोसीजर है। एक अच्छे वेल एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के साथ कंसल्ट करके ये प्रोसीजर कीजिए एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि ये आपकी लाइफ बदल देगा।
दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, या तो एक हमारी तरह वेल एक्सपीरियंस टीम के पास है, 17 साल हो गए मुझे ये सब करते, हजारों पेशेंट्स की सर्जरीज हो चुकी हैं, हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं ये बताने के लिए कि लाइफ कैसे बदल जाती है, 5 बुक्स लिखी है मैंने प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, या तो मेरी तरह किसी एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के पास जाए, या फिर जहां आप चाहते हैं वहां जा सकते हैं, मुझसे एक बार डिस्कस कर लीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, मैं आपको एक फ्री ओपिनियन दे दूंगा, उसके बाद आप जैसे भी करें। अगर समराइज करूं तो अगर आज आप अपनी बॉडी से खुश नहीं है तो मम्मी मेकओवर ही प्रोसीजर है आपके लिए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि इस प्रोसीजर से आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली 360 डिग्री बदल जाएगी।